गुड इवनिंग साथियों, वेलकम टू ऑल मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो स्वागत है सभी का, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आप सभी का वेलकम है और शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें हमेशा की तरह कि आपने यदि अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैथ्स बाय अनिल सर भी यदि आप टाइप करते हैं तो भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज हम धमाकेदार 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और सभी लोग अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको फील आएगा कि हाँ आज हम कुछ सीख के क्लास को बंद कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो आइए पहले क्वेश्चन से आगाज करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, धमाकेदार 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब पहला क्वेश्चन अब आने वाला है। तो ये लो भाई, सबसे आसान क्वेश्चन आपको इस चीज को, ये सामने जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के बाद इन चार ऑप्शन में से क्या सही जवाब हो सकता है, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहुत फास्ट आपको क्वेश्चंस को करना होता है। फटाफट बताइए क्या इसका आंसर बन सकता है। एवरीवन प्लीज डू इट, ट्राई करें, मजा आएगा, 100% मजा आएगा। ट्राई तो करिए एक बार। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, कई बार आपको इस चीज बताइए। इस पूरे सेक्शन में आप सभी को पता है सर, ये जो सेक्शन आपके पास है, इस सेक्शन में हमें सबसे पहले ये मालूम है कि सबसे पहले हमें इस डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हैं इनको सॉल्व करना होगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मुझे सॉल्व कर लेना चाहिए 1 + 4/5। अब मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 5 × 5 + 4 कितना हो गया? 9। मतलब ये बात बनेगी सर 9/5 के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम इसको काट के यदि हम 9/5 यदि यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत परेशानी? सर नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मैंने इस चीज़ को 9/5 लिखा तो इसके बाद कहानी में क्या हम ये चीज़ जानते हैं, 1 के अपॉन में कोई नंबर 3/9 लिखा हो, अपॉन के अपॉन में कोई बात लिखी हो, तो ये लास्ट डिवाइज़र है वो हमेशा न्यूमरेटर में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ये बात सबको पता है कि नहीं? तो आपको ये बात यदि मालूम है तो ऑब्वियस ही बात है, यदि हम इस 5 को देख पा रहे हैं तो ये 5 हमारा कहीं ना कहीं ये ऊपर जाके बैठेगा। और मेरे भाई, यदि 5 ऊपर जाके बैठेगा तो ये बात 5 × 3 = 15 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो मेरे पास ये सेक्शन जो बनने वाला है वो बनेगा सर 5 × 3 = 15, लेकिन 2 आगे लिखा है तो 15/ आपके पास कितना हो जाएगा? 9। यहां तक मुझे लगता है आसानी से ये चीज समझ पड़ रही होगी। अब मेरे भाई, अब मैं धीरे धीरे हटाते जाता हूं जो फालतू चीजें हैं, मैं उसको हटाते जाऊंगा, ठीक है? ये हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब वापस आ जाओ, अब मुझे बताओ इसको फिर से करो तो 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 में भाई 15 जोड़ना है तो 18 में 15 मत जोड़ो। आप ये सोचो 18 को यदि हम 15 बना दें तो 15 बन जाएगा, 15 × 15 = 30 हो जाएगा, लेकिन 15 से 18 का सफर 3 बढ़ाना पड़ेगा तो 30 में प्लस करो 33 हो जाएगा। तो भाई मेरे, ये प्लस करने पे 33/9 बना कि नहीं बना? ये बात भी आपको 100% क्लियर हो रही होगी। फिर से देख लो, पहले हमने इसको इससे गुणा किया, 9 × 2 = 18 होता है। 18 में यदि हम कितना जोड़ना चाहते हैं तो भाई 15 जोड़ना चाहते हैं, तो भाई 33 बन जाएगा, 9/ हो जाएगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरे भाई, यदि हमने इस पूरे सेक्शन को सॉल्व कर लिया, अब मैं इस चीज को हटा देता हूं, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, अभी ये पूरी चीज यहां से हटा देता हूं। एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटी छोटी सी बात सीखना। अभी तक हम जो चीज सीख चुके हैं उसमें मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनते चलना। मैंने इतने सेक्शन को सॉल्व करके मैंने निकाल लिया 33/9, ये सभी को नजर आ रहा होगा, ध्यान से सुनना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब मेरे भाई, ये फिर से 9 जो है वो 2 के साथ मिलन करेगा, तो मिलन करेगा तो ये ऊपर पहुंचेगा, ये तो बात सही है ना? तो ऊपर पहुंचेगा तो भाई 9 × 2 = 18 बनेगा। तो मुझे बताओ, क्या हम इसको 1 + 18/33 लिख सकते हैं? तो गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं इसको भी हटा देता हूं, ये भी हमारे काम का नहीं है, यहां पे जो फालतू चीजें वो हटाते चलूंगा मैं, ठीक है? तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना, और इसका शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस का, तो आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो वो भी जान सकते हैं।
एक बार देखो आप मुझे बताओ, 33 वनजा 33 प्लस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 11 होता है, सही है। अब एक जोड़ोगे 4 और एक कितना हो गया 5, तो ये 51 हो गया। बोलो 33 वनजा 33 प्लस 18 करोगे कितना बनेगा, 51। 51 बाय कितना हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को? अब मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक बार फिर से देख लो। देखो मेरे पास जो नंबर आपके पास बचा था, इस 9 को हमने ऊपर पहुंचा, 18 बन गया था, 33 एक प्लस ये समथिंग बनने लग रहा है, ठीक है। अब मेरे भाई इस चीज में देखो कंडीशन क्या बनने लग रही है, तो ये बात हमारे पास कंडीशन में क्या बन रही है, 51 अपॉन 33 बन रही है, सही है। अब मेरे भाई इसको शायद काट भी सकते हैं हम लोग, किससे काट लें, 3 से काट लो, ये हो जाएगा 33, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ से 3 एकम 3, 3 साथ 21, 17 बाय 11 लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यदि हम इस बात को सॉल्व कर पाए, यहाँ से हमने इतनी चीज को सॉल्व कर लिए हैं जो कि 1 प्लस 1 अपॉन ये बन रहा है 17 बाय 11। अब ये ऊपर पहुँचेगा तो मेरे भाई ये बनेगा 1 प्लस 11 बाय 17। और हमें बहुत अच्छे से पता है इस बात को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 111 बाय 17। तो मुझे बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है वाला ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो समझ आए कि नहीं? तो एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी प्रोसेस मैंने एक एक स्टेप में समझाई आपको, आपको 100% समझ आई होगी। तो जितने लोगों का आंसर सही है कमेंट बॉक्स में यस करके जल्दी से छाप दें, फटाफट अपनी लाइन लगा दें भाई, जितने बच्चों ने आपने एक बार इस क्वेश्चन को बनाया और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, यस टाइप जरूर करिएगा, राइट। और फिर प्रोसेस करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ और वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए हम चलते हैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल तरीका देखने। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, राइट, और देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस बार निकालना है सर पी का क्या मान होगा, पी की वैल्यू क्या होगी, जरा फटाफट मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो यार, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग तो रहा है कि भाई सबको प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही, परेशानी नहीं जा रही है, है ना। चलिए देखें वापस आ जाए इस क्वेश्चन पे क्या चल रहा है, आ जाओ। देखो भाई जिनने बना लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो यार हमें पता है सर पी की वैल्यू निकालना है, लेकिन पी भाई साहब बॉटम में बैठे हुए हैं, ये भाई साहब बीच में बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ ये, है ना, ये नीचे बैठा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको वहां पहुंचाओ। तो मेरे भाई ये बनेगा 1120 और 80 के नीचे लगा के इज इक्वल टू, मैं अंडर रूट पी बना कि नहीं बना, ये बात तो सही है, सही है। अब मेरे भाई जीरो से जीरो कट गया, अब आठ का पहाड़ा पढ़ना जरा, कितने बार में 112 आता है बोलो भाई, तो भाई नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आठ एकम आठ तो आता है कि नहीं आता है, 3 बज गया, 8 चौक 32, 14 बार आता है, फिर से सुन लो, 8 से एक बार बन गया, 3 बज में 32 हो गया, 8 चौको 32 होते 14, राइट, तो 14 अट्ठे 112 हो गया। अब मुझे बताओ 14 अंडर रूट पी के बराबर है, मेरे भाई यदि हमें निकालना है से पी की वैल्यू, तो क्या हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें, यदि मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो मेरे पास ये स्क्वायर रूट जो है इसको इससे काट देगा, और 14 का स्क्वायर आप सभी को पता है सर 196 होता है। बोलो सभी का आंसर आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है या नहीं है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे के, एक बार जल्दी से बताओ कि सही आंसर कितनों का आया, जल्दी से फटाफट टाइप करो यार, रोजाना जुड़ने वाले बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर करो, इतना शानदार सेशन चल रहा है और आज से स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चल रही है, और क्या मजे की बात कर सकते हैं भाई, इतने बढ़िया क्वेश्चंस के साथ हम लोग जुड़े हैं, आपका पूरा कैलकुलेशन ऐसे ऐसे पूरा होने वाला है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल मजेदार सेशन को आगे मजा बनाते रहिए, और एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये लग चुका है, फटाफट जरा बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, आसान है, एक बार टाइम दे उस क्वेश्चन को, क्या इसका आंसर बन सकता है, एक बार जल्दी से ट्राई करें, फटाफट बताएं।
बढ़िया क्वेश्चन है। 9/20 माइनस फिर ब्रैकेट 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। अब कई सारे बच्चे एक चीज़ समझ रहे होंगे, सर ये क्या है, ये कौन सा निशान है, ये कौन सा प्राणी ऊपर बैठा हुआ है। तो सर ये आपके मालूम है वर्नाकुलर साइन है। बॉर्ड मास आपने सभी ने पढ़ा होगा, बॉर्ड मास में सबसे पहली प्रायोरिटी वर्नाकुलर साइन की होती है, इसका मतलब उस बार वाले साइन की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले इस पूरे सेक्शन में इतना ही सॉल्व करना है आपको। मतलब क्या हुआ कि 1/3 को मात्र प्लस करना है 1/2 से, माइनस 1/3 मत लेना प्यारे बच्चे, गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 3 × 2 = 6 पता है ना सभी को, ये बहुत फास्ट जाना है आज, इसको यहाँ कर लो तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 5, तो इसको हम 5/6 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यदि हम इस चीज़ को यहाँ से देख पा रहे हैं तो हमने जब इस चीज़ को सॉल्व किया, किसको सर इतनी चीज़ को सॉल्व किया तो मुझे मिला कितना 5/6। अब मेरे भाई यदि 5/6 यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो मेरे प्यारे बच्चे ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा। और मुझे बताओ 5/6 माइनस 5/6 का मतलब क्या हो गया, सर 0/0, मतलब 0। ठीक है चलो अब ये बात तो हमारी 0 हो गई, अब क्या है 1/4 है। बच्चे ब्रैकेट लग गया उसको उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं, तो अब मेरे पास बच रहा है 1/5 और प्लस में 1/4, दोनों को जोड़ो 5 × 4 = 20, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो सर 9 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, इतना आसान है भाई, बहुत जल्दी बना सकते हो आप सभी लोग। आगे चलो, अब मेरे भाई देखो हमने जब इतना सॉल्व कर लिया यहाँ तक की कहानी खत्म होगी। अब मेरे पास बचा 9/20 और बाहर लगा क्या बचे माइनस, और यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो क्या बचा 9/20। बेटा दोनों आपस में क्या हो गए सर 0 बना लिए, आंसर कुछ भी नहीं बचा सर 0। कितना दुख होता है जब इतनी मेहनत करने के बाद आंसर 0 आता है, लेकिन क्या करें ऑप्शन ही वही है भाई साहब, क्वेश्चन उस तरह से सेट है कि आंसर 0 ही बन रहा है। तो मेहनत करिए, इत्मीनान से मेहनत करिए, संघर्ष करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, वीडियो में यदि अभी तक जुड़े हैं और सेशन मज़ेदार लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शुरू करिए ज़रा इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार देखने को मिला है, एक बार ट्राई करो बच्चे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हमें सेशन को कंप्लीट करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है, फटाफट देखो यार, सुना समझा, इसका यूज करो सबसे आसान होगा, इसका यूज करेंगे सब आसान होगा। देखो कैसे मेरे भाई, एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, मैं बोलूं 0.001 और यदि मैं बोलूं 0.001, दोनों में कोई फर्क है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर फर्क तो दिख रहा है। सर कैसे फर्क दिख रहा है? सर फर्क ऐसे दिख रहा है, यदि मैं दोनों जगह पॉइंट बराबर करना चाहता हूं, यदि मैं दोनों जगह पॉइंट बराबर करना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताओ, यदि मैं इस नंबर में 10 का गुणा कर दूं, यदि मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये बात हमारी 0.01 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये सबको करना आता है, जितने बार 10 से गुणा करोगे ये पॉइंट उतना शिफ्ट होता जाएगा। ये बात तो सबको आती क्या, समझ नहीं आती मेरे भाई? यदि तुमने 10 से गुणा किया तो भाई साहब ऊपर भी तो 10 से ही गुणा करना पड़ेगा, मतलब किसी भी पॉइंट को एक डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हो तो मेरे भाई न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये गणित का रूल है भाई साहब, है ना, एक भाग बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो मैं क्यों ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर में नंबर बैठा है भाई साहब उसको बराबर कर लूं, बराबर कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले नंबर से पॉइंट एक प्लेस आगे बढ़ाना सोचा। तो मैंने क्या सोचा कि ये पूरे सेक्शन में, ध्यान सुनना बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यदि हम ऊपर भी यदि 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी यदि हम 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा सर। लेकिन मैं बोलता सर ऊपर मत मल्टीप्लाई करके, नीचे अकेला मल्टीप्लाई करता हूं मैं सारे नंबर से। तो मुझे बताओ जब मैं 10 का स्क्वायर मतलब यहां पे अंदर लेके जाऊंगा तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर जो 0.1 का स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चे, डिनोमिनेटर में भी 0.1 का स्क्वायर, बोलो बना कि नहीं बना? ऐसे ऊपर लिखा है भाई साहब 0.01 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना,
अब मैंने 100 से भी इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, मतलब स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बात भी हमारे 0.01 के स्क्वायर के बराबर हो गई। और ऊपर लिखा है 0.009 का होल स्क्वायर, ये इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ ये वाली बात हटा देते हैं, ठीक है, ये सारी बात हटा देते हैं। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ ये रहा, ये देखो मैंने क्या बोला आपसे, यदि मैं ये चीज हटा देता हूँ, ये थोड़ी सी हटा देते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। यदि हम ये बात को बोले कि भाई यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में ये पूरी सीधी लाइन चली आ रही है, नीचे जब 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात क्या बनेगी, प्लस में 0.009 का होल स्क्वायर, बोलो बनेगी कि नहीं। अब लेकिन हमने ब्रैकेट ऐसा लगाया था, नीचे वाला नंबर तो मल्टीप्लाई करा दिया बच्चे, नीचे वाला नंबर तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर अभी 10 का स्क्वायर एज इट इज बैठा है, मुझे बताओ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो भाई ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 10 का स्क्वायर बचा, और भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर बच रहा है, ये आप सबको पता है, और 10 का स्क्वायर का मतलब होता है सर 10 बाहर निकलेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छापो, कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया था, जल्दी से बताओ यार, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। इतना शानदार क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे लॉजिक से भी आपको समझ आने लग रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चंस में मजा तो है भाई साहब। एक बार देख लो आप सभी लोग, क्या मैंने समझाया, नहीं समझ आया हूं वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि हम टाइम की अहमियत समझते हैं, राइट। आज मैं फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ जुड़ा हूँ, राइट, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई मेरा सेशन बिल्कुल शानदार चलने वाला है, आप सभी लोग इसको ज़रूर शेयर कर रहे होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका ही इंतज़ार कर रहा है। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या लग रहा है, मतलब क्या है ये, क्या सोचते हो इसके बारे में, बताओ भाई। क्वेश्चन ने बोला है द स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से पढ़ना, इन नंबरों का वर्गमूल बताओ सर क्या होगा, इन नंबरों का वर्गमूल क्या होगा, किसी को पता है क्या, एक बार देख लेते हैं, किसी को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कोई परेशानी तो है नहीं इस चीज को लेकर, राइट। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इस नंबर का वर्गमूल क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 7 + 3√5, और यहां पे हो जाएगा 7 - 3√5, ये तो सभी को दिख रहा होगा। अब मेरे भाई एक फॉर्मूला तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से सुन लो जरा सारे बच्चे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से यस और नो, ये सभी को पता नहीं है वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी इसको लेकर नहीं है, आगे चलो। तो मेरे भाई यदि हम इसको ऐसे लिख लें, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस किसका, 3√5 का होल स्क्वायर, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हमको आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यदि हमने इस चीज को ऐसे लिख लिया, इस चीज को यदि मैंने ऐसे लिख लिया, तो मुझे बताओ ये बात क्या ऐसे कुछ बन रही है, सारे बच्चे देख पा रहे हैं क्या, सारे बच्चे देख पा रहे हैं, इसको हटाते हैं, मुझे बताओ ये सारे बच्चे देख पा रहे होंगे आराम से कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया माइनस, यहाँ देखो जरा, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 का 5 टाइम कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। फिर से सुन लो बच्चे ध्यान से, देखो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और स्क्वायर रूट मतलब 5 में जो लिखा हुआ है रूट वो 5 ही बनेगा, तो भाई 9 × 45 हो जाएगा ये। अब मेरे भाई मुझे बताओ 49 से 45 यदि माइनस करेंगे तो मात्र कितना बचेगा, मात्र गुरुजी 4 बचेगा, तो मेरे भाई ये स्क्वायर रूट में 4 है और स्क्वायर रूट 4 का मतलब कितना होता है बच्चे, स्क्वायर रूट 4 का मतलब कितना होता है सर, आंसर 2 वाला होता है, आंसर आ गया, कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। इतना आसान आसान क्वेश्चन यदि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है और आपको इन चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा है, तो फिर लाइक तो बनता है दोस्त, है ना। फटाफट इस सेशन को शेयर करो और मुझे बताओ सेशन कैसा लग रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करें, है ना। सभी के कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखना चाहिए, राइट। मैं ज़रूर वॉच कर रहा हूँ आपकी वीडियो को कि कैसे आप मज़ा उठा रहे हैं इस वीडियो का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत आसान क्वेश्चन है, खतरनाक और शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। आज जो सेशन हम लेके जुड़े हैं ना, वो बहुत काम का सेशन होगा, ठीक है। पिछले 2 दिन हमारी छुट्टी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो समस्याएं काम लगे रहते हैं, लेकिन आ जाओ भाई सारे बच्चे, फिर से आ जाओ। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो बनाइए हौसला और दिखाइए इस पे दम, क्या आंसर बन सकता है इन चारों ऑप्शन में से, फटाफट जरा टाइप करो।
कितना आंसर बन सकता है, एक बार सोचो, ख्याल करो कि भाई ये आंसर कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं। फटाफट करो यार। चलो देखो जरा मेरे भाई, एक चीज बताओ, इस पूरे रूट 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 की कहानी में यदि हम चले तो हमें सर इसके बारे में पता है सर ये 13 के बराबर होता है, बोलो हाँ कि ना। अपने आप से हाँ और ना बोलोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई इस नंबर को इसमें जोड़ दो, जोड़ लेते हैं सर, कितना हो जाएगा बच्चे? तो मुझे बताओ यदि हम इसको इसमें 13 जोड़ दें तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 121 बन जाएगा। अब मेरे भाई 121 बन जाएगा तो ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 11। अब मेरे प्यारे बच्चे यदि हम 11 इसमें जोड़ लेंगे, यदि 11 इसमें जोड़ लेंगे तो ये कितना बन जाएगा सर? 49 बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई? ये आपको पता है सर 7 होता है, 7 होता है कि नहीं? और मेरे भाई यदि हम 7 इसमें जोड़ दें तो 57 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या 64 बनता है कि नहीं? अब मुझे बताओ 64 का मतलब 8 होता है बच्चे, 8 को 8 से जोड़ेंगे कितना होगा? 16। तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 4 चौके 16 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको समझ आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ फिर फटाफट यार, बहुत फास्ट चलना है। मतलब ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें आधा घंटा भी बहुत लगता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यदि 10 क्वेश्चन बनाने तो मात्र 5 से 7 मिनट में भी हम 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, यदि हमारे सामने सीधे 10 क्वेश्चन पकड़ा दे दी कोई भी टीचर, है ना। फटाफट बताओ यार, है ना। लाख दलदल है पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखिए, एक दिन छलनी में भी रुकेगा पानी, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चनों में बड़ा इंटरेस्ट जगाइए। अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इस क्वेश्चन को रखने की सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है? कई सारा बच्चा ये सोच रहा होगा सर हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं है, स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सर 35 ऑलरेडी दे रखा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। क्या सर? काम इतना सा है कि ये जो नंबर आपके पास दे रखा है ना, इसकी बस वैल्यू पुट करना थी। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, मैं यहां लिख रहा हूं बाजू में, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? 135 लिख दो उसकी जगह पे प्लस। अब यहां पे देखना, क्या देखना मुझे बताओ, यदि मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा कि नहीं आएगा? और मेरे भाई ऊपर वाली वैल्यू तो 135 हो जाएगी, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे ये नीचे स्क्वायर रूट में आएगा तो यहां पे 10 आएगा, 100 नहीं आएगा। ये गलती नहीं करना, ये गलती करता बच्चा। मेरे प्यारे बच्चे यदि मैं आपसे बोलूं 64 पॉइंट, ध्यान सुनना, एक मिनट रुकना, इसको मैं साफ करता हूं फिर से, देखो जरा फिर से ध्यान सुनो। यदि मैं आपसे बोलूं 64.52 लिखा है, मैं आपसे बोलूं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? अपॉन में सर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो बेटा ये भी स्क्वायर रूट में ही रहेगा। ये बात बस मैं आपको गौर करने की बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। तो मैं आपसे यही बोला कि यदि हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 100। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो मेरे भाई यहां पे ऐसा लिखा जाएगा 10,000 आएगा, 10,000 से स्क्वायर रूट आएगा मतलब बाहर कितना जाएगा सर? 100 ही आएगा बस। तो ये 35/100 यहां आएगा। अब उसके बाद यहां पे लास्ट में देख लो तो कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो बनेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 से आधे निकलेंगे मतलब 3,000 बाहर निकलेगा। तो मेरे भाई लास्ट में प्लस करेंगे 135 डिवाइडेड बाय 1,000। अब कुछ नहीं करो, यहां पे चाहो तो डेसिमल पहले लगा लो या तो सबको जोड़ लो, या तो सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ लो सर? 135 का 4 गुना कर लो, यहां पे 1 + 1/10 पॉइंट से बैलेंस कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कितना आंसर है। इसका आंसर आपके थ्रू चाहिए क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहता हूं, राइट। तो यहां पे देखो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है चलो आगे चलें, फिर अगला क्वेश्चन लगा दें। कमेंट करके बताओगे मुझे मालूम है ना, ये तुम्हारा होमवर्क भी समझ लो या फिर तुम जो भी करना चाहते हो अभी कमेंट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ क्या ख्याल है। मुझे 10 क्वेश्चन टारगेट करना है, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, कैसे बताओ जल्दी से बताओ। क्या लगता है तुम लोगों को, बताओ जल्दी बताओ क्या दिखती है ये क्वेश्चन? जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है भाई क्वेश्चन में? देखो यार सबसे पहली बात पता क्या है,
ऑप्शन हमको गाइड करते हैं, सर ये रूट 6 लगाए ना, मतलब कुछ तो बात तो है सर 6 के साथ। मुझे बताओ ये बात 24 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? गुरुजी ऐसे लिख सकते हैं 4 6 24, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सर ये 2 का क्यूब है कि नहीं है, मतलब 36 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी। नीचे क्या लिख सकते हैं सर? 16 × 96 होता है गुरुजी, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये सबको लिखना है कि नहीं है? अब यदि ये लिखना आ गया तुमको तो फिर तो क्वेश्चन खत्म है बेटा। यहाँ पे क्या 2 बाहर निकालने यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2√6 प्लस यहाँ से 6 बाहर निकल जाएगा बेटा, तो इसको 6√6 लिख सकते हैं। और नीचे भाई 6 4 बाहर निकल जाएगा तो 4√6 लिख सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ आई? अब मेरे भाई 6 और 2 कितना हो गया? 8, और ऊपर हो गया √6, नीचे क्या हो जाएगा? तो भाई 4 नीचे है तो 4√6, √6 से √6 कैंसिल हो गया, 4 का 2 × 8 होता है बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, है ना? बोलो समझ पाए कि नहीं? एक बार जल्दी से बताओ, कमेंट करो यार, एक बार जल्दी से बताओ सारे बच्चे समझ गए कि नहीं, है ना? समझ गए कि नहीं बता? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या ख्याल है? अरे यार ये तो मतलब इतना छोटा फुद्दू सवाल है कि क्वेश्चन देखो आंसर उड़ाओ प्रतियोगिता है ये तो, है ना भाई मेरे? 64 मतलब 8, 36 मतलब 6, और दोनों को घटाएं तो प्यारे बच्चे 2। खत्म यार, कितना समय लगेगा? ऐसा छोटा क्वेश्चन पेपर में आया तो भाई साहब उसको उड़ा ही देंगे हम तो। तो ये जो 10 क्वेश्चन लाने का सबसे बड़ा मकसद पता क्या है? सिर्फ एक ही मकसद है कि आप 10 क्वेश्चन का इकट्ठा टाइम निकालो तो 8 से 10 मिनट में एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ 8 से 10। बहुत से बहुत टाइम दे दी तुम्हें तो, कुछ में 5 सेकंड भी लग रहे हो, कुछ में 2 सेकंड भी लग रहे हो, कुछ में 1 मिनट भी लग रहा हो, कुछ में 30 सेकंड भी लग रहा हो, करना तो वही है ना। चलो आ जाओ एक और देखो, 9वां 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब फॉर यू, और फटाफट इसका आंसर बताओ कितने बच्चों के पास इसका जवाब है। ये क्वेश्चन करेगा तुम्हारा सिलेक्शन, जल्दी से बताओ जल्दी से। देखो यार कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो भाई साहब नीचे तो 1000 बनेगा क्योंकि 3 जीरो बाहर निकलेंगे। अब बताओ मुझे ये भाई साहब को पहचानते हो क्या नहीं पहचानते हो, इसके बारे में क्या ख्याल है? 441 किसका स्क्वायर रूट होता है? नहीं याद है क्या? तो याद करने की जरूरत भी नहीं है सर, ऑप्शंस में सारी जगह 21 21 लगा हुआ है, तो दिमाग भी नहीं खर्च करना, ये भी बच गया तुम्हारा, है कि नहीं? अब मुझे बताओ 3 जीरो की वजह से यहां पे डेसिमल कहां आएगा, बताओ भाई? क्या यहां पे 0.021 लिखने से पॉइंट हटाएंगे तो 1000 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा सर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का कॉल्ड सवाल बन गया। अरे कंफ्यूज नहीं हो, देखो मैं बोलूं 2.16 लिखा है, इसका हटाते हो पॉइंट तो नीचे कितना लिखते हैं 100। अब मैं बोलूं बेटा यहां पे पॉइंट लगाना है तुम्हें, तो भाई पॉइंट वैसे लगाओगे ना कि भाई जितने नीचे जीरो है उतने डेसिमल के बाद डिजिट आएंगे, खत्म होगी बात, ठीक है? चलो भाई समझ आया कि नहीं, पूरी कंप्लीट हो गई सारी चीजें? तो देखो अभी तक यदि वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बार बार। और आज के सेशन को देखने के लिए हृदय से धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहिए, इंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए पसीना बहाइए साहब, पसीना बहाने से आप संघर्ष की वो कामयाबी की ओर बढ़ेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, राइट? जो पसीने से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा सर, राइट राइट। तो बढ़िया से पानी से नहीं नहाना है, पसीने से नहाना है, इतिहास बदलना है। बढ़िया से जुड़े रहिए, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।